हेलो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप किस तरीके से स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप बाइक को 100 स्पीड या इससे ज़्यादा स्पीड में बाइक को राइड कर रहे हैं, उस टाइम में आपके सामने अगर बाइक या कार आ गया तो बाइक को किस तरीके से कंट्रोल करना है उसके बारे में बताऊँगा। वैसे तो 100 स्पीड में बाइक को राइड नहीं करना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि इस रोड में स्पीड लिमिट 100 है, तो उस टाइम में आप 100 स्पीड में बाइक को राइड कर भी सकते हैं। आप अगर 100 या इससे ज़्यादा स्पीड में बाइक को राइड कर रहे हैं और आपके सामने अगर बाइक या कार आ जाए, तो उस टाइम में आप दोनों ब्रेक्स को सेम टाइम में दबाइए। किसी एक ब्रेक को मत दबाइए, फ्रंट रियर दोनों ब्रेक्स को सेम टाइम में दबाइए। इस तरीके से दोनों ब्रेक्स को सेम टाइम में दबाते समय आप फ्रंट ब्रेक को थोड़ा ज़्यादा दबाइए और रियर ब्रेक को ज़्यादा मत दबाइए, क्योंकि अगर इस तरीके का रोड है, आप ज़्यादा स्पीड में बाइक को राइड कर रहे हैं, उस टाइम में स्लो करने के लिए आप अगर फ्रंट ब्रेक को ज़्यादा दबाते हैं तो भी आपका जो टायर है वो फिसलेगा नहीं, फिसलने का रिस्क नहीं रहती है। और अगर आप रियर ब्रेक को ज़्यादा दबाते हैं तो आपका जो पीछे का टायर है वो फिसलेगा। आप राइड कर रहे हैं उस टाइम में आपको पता भी नहीं चलेगा आपका पीछे का टायर फिसल रहा है, तो उस टाइम में आप गिर भी सकते हैं। अगर आपको पता चल गया कि पीछे का टायर फिसल रहा है, उस टाइम में आप रियर ब्रेक को इस तरीके से छोड़ सकते हैं। अगर पता चलता है तो, अगर नहीं पता चलती है तो पीछे का टायर फिसल के आप गिर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी पीछे भी डिस्क ब्रेक है तो ज़्यादा दबाए तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आपकी बाइक में पीछे भी डिस्क ब्रेक है तो भी आप इसको अगर ज़्यादा दबाते हैं तो पीछे का टायर फिसलेगा। इसीलिए आप फ्रंट ब्रेक को ज़्यादा दबाइए, टायर फिसलेगा नहीं, और रियर ब्रेक को ज़्यादा मत दबाइए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।